बुरहानपुर जिले के ग्राम घाघरला के जंगल में अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमणकारियों से परेशान होकर घाघरला के ग्रामीण आंदोलन भी कर रहे हैं। इसी के चलते ग्रामीणों ने 2 दिन पहले असीरगढ़ गांव के पास इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चक्का जाम करने का आह्वान भी किया था। इसके बाद एसपी राहुल कुमार ने ग्रामीणों से 2 दिन का समय मांगा था। पुलिस बल पिछले 2 दिनों से गाँव के पास जंगल के बाहर बने स्कूल में डेरा डाले हुए था। अतिक्रमणकारी मौके से भाग निकले और जब राहुल कुमार 250 पुलिसकर्मी 40 एसटीएफ के जवान और फॉरेस्ट अमले के साथ जंगल में घुसे तो यहां पूरा जंगल छान मारा किंतु एक भी अतिक्रमणकारी नहीं मिला और पुलिस और वन विभाग को वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि अतिक्रमणकारी भागने में सफल हो गए। वहीं एसपी राहुल कुमार ने चर्चा करने पर बताया कि पिछले 2 दिनों से अतिक्रमणकारियों से कम्युनिकेशन बना हुआ था, क्योंकि यह भी इसी गाँव के लोग हैं और इन्हीं के परिवार के लोग जंगलों में घूम रहे हैं और किसी को भी देख कर गोली मारना ये सही नहीं है। इनसे चर्चा कर स्थायी हल निकाला जाएगा। वहीं जंगल में वन चौकी का निर्माण भी कराया जाएगा। देखिए, बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हमें अतिक्रमण हटाना है, मगर अतिक्रमण हटाते वक्त जिस तरीके से अगर वो टेकड़ी पर है और उसके बाद में वो तीर और गोफन से अगर हमला करे तो उसके बाद में कोई हमारी कैजुअलिटी भी ना हो, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। हम लोग बैकेंड में भी काम करते हैं, हमारी आदत में कि हम लोग टू फ्रंट में काम करेंगे, जैसे हम लोग सामने से उसको फ्रंट में पूरे राइट ड्रिल गियर के साथ में आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ में पीछे से जहाँ से अतिक्रमणकारी आ रहे हैं वहाँ पर भी हम लोगों की कट ऑफ पार्टी काम करती है।